अपने बोझिल कदमों को तभी देखना, अपने बोझिल कदमों को तभी देखना जब वो बोझिल हो। चाहो को तब देखना, चाहो को तब देखना जब चाहा हो, और चिंता को तब देखना जब चिंता हो। यही ध्यान है, यही ध्यान है। सुबह 20 मिनट बैठ जाना, सुबह 20 मिनट बैठ जाना ये ध्यान नहीं है। ध्यान की यही एकमात्र विधि है, जब जो है जैसा है उसको वही जान लो, और उसमें कोई तनाव नहीं है, उसमें बस तुम्हारी उपस्थिति है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सीधे गणित पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। सांख्यिकी चैप्टर चल रहा है दोस्तों, और सांख्यिकी चैप्टर का मैंने कल बताया था, आज या कल बताया था कि लास्ट सेशन कल होने वाला था, लेकिन कुछ जो टॉपिक है दोस्तों इम्पोर्टेंट, या कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम में पूछे गए वो रह गए थे, उसको हम कंप्लीट करा देते हैं। इसके बाद यानी इसी सेशन के अंदर यहाँ पे कुछ नए चैप्टर की बात करेंगे दोस्तों, जिसमें रैखिक अस्मिका, ठीक है, रैखिक अस्मिका की बात करूंगा। वैसे हमने इसको पढ़ लिया दोस्तों द्विघात समीकरण में या फलन में, ठीक है, वहां पे हमने इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए, लेकिन यहाँ पे 11वीं 12वीं के अंदर इसका भी एक चैप्टर आता है। दैट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस हमारे पास बोर्ड के ऊपर हेडिंग होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। हेडिंग अगर आपके ऊपर लगा दिया मैंने कि यहाँ पे जस्ट हमारे पास थंबनेल के ऊपर रैखिक अस्मिका चैप्टर आ गया, मतलब आपका सिलेबस पूरा है। अगर मान लो कि यहाँ से हमने इस चैप्टर को मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है, इस चैप्टर को अगर मैं स्किप कर देता हूँ तो आपको लगेगा, और वहां से अगर क्वेश्चन बन गया और आपको लगेगा कि सर आपने सिलेबस तो करवाया नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ दोस्तों ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवा दिए हैं द्विघात समीकरण के अंदर, ठीक है, शुरू में। तो देखो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे अगेन चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन और मान्य विचलन में संबंध, जैसे हमने माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध किया था, वैसे के वैसे यहाँ पर भी हमारे पास चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन और मान्य विचलन में भी संबंध होता है, ठीक है। हमने माध्य माध्य और माध्यिका और बहुलक में संबंध हमने लगभग इस प्रकार से बताया था, लगभग, ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ लगभग, 3m-2x बार, ठीक है, ये दोस्तों ये क्या लगभग मान होता है, ठीक है, यहाँ पे फिक्स वैल्यू यहाँ पे लगभग लगभग ही रहती दोस्तों, फिक्स यहाँ पे हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध बताया था। अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन और मान्य विचलन, इनके बीच संबंध यहाँ पे इसको QD से डिनोट करेंगे, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन। फिर माध्य विचलन को यहाँ पे मैं डिनोट करूंगा दोस्तों MD से, या MD मीन डेविएशन, या इसको डेल से डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, या फिर इसको लिखते हैं, और यहाँ पे इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसको हम जस्ट मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसको हम, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। अब देखो अब नेक्स्ट इनके रिलेशन की बात करो दोस्तों, और रिलेशन यहाँ पे इस प्रकार से होता है, देखो 4, 5 और 6, ठीक है, बराबर लगा रहा बीच में, 4, 5 और 6, ठीक है, 4, 5 और 6, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। एंड सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले चतुर्थक विचलन हमने पढ़ा था, ठीक है, तो या फिर नहीं सॉरी, यहाँ पे हमने सबसे पहले मानव विचलन पढ़ा था, ठीक है, तो यहाँ पे मानव विचलन का मैंने साइन लगा, ठीक है, किसका साइन लगाया मैंने, मानव विचलन का। फिर बाद में हमने यहाँ पे पढ़ा था दोस्तों माध्य विचलन, तो माध्य विचलन का यहाँ पे मैंने साइन लगा दिया, और सबसे लास्ट में पढ़ा था यहाँ पे चतुर्थक विचलन, और चतुर्थक विचलन का यहाँ पे मैंने साइन यहाँ पे जस्ट क्यू लगा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, क्यू क्या लगा रहा हूँ मैं यहाँ से, क्यू, ठीक है, इसको नहीं लिख के यहाँ पे मैं क्यू लिख रहा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको किया। ये जनरल हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं बुक्स के अंदर जो लिखा रहता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, बुक्स के अंदर थोड़ा सा अलग टाइप का लिखा होता है दोस्तों, बात सेम ही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसको याद रखने का जो मतलब सरल, या फिर मैं कह सकते दोस्तों आसान रहता है याद करने में, ठीक है, 4, 5, 6, और फिर बाद में सिग्मा डेल और क्यू, ठीक है, सिग्मा डेल ऐसे याद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसको जस्ट बुक में जो हमें मिलता है 9Q, ठीक है, इज इक्वल टू 7.5, 7.5, और यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों डेल एंड इज इक्वल टू 6 सिग्मा, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास बुक के अंदर हमें मिलता है, ठीक है दोस्तों।
ये कहाँ पे मिलता है, बुक के अंदर, ठीक है। जनरली आप बुक खोल के देखोगे दोस्तों तो ये मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे और यहाँ पे किसी प्रकार का अंतर नहीं, कैसे दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या दोस्तों जस्ट इसको प्रत्येक को मैं 10 से गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 90 की हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में 75 की हो, 75 डेल हो जाएगा ये, ठीक है। 75 डेल हो जाएगा और ये 60 सिग्मा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से प्रत्येक के अंदर 15 का भाग में, पहले तो 10 से गुणा किया, अब मैं 15 का क्या कर रहा हूँ दोस्तों, भाग दे रहा हूँ, ठीक है। 15 का यहाँ पे मैं भाग दे देता हूँ, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों 6 क्यू यहाँ पे रहेगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों हमारे पास 5 डेल, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 सिग्मा, ठीक है। इसको हम वापस अगेन एज ए सिक्वेंस के रूप में ले देते हैं, 4 सिग्मा, 5 डेल और फिर बाद में यहाँ पे 6 क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रिलेशन होता है, ठीक है दोस्तों। चाहिए लिखो चाहिए एक बार से, ठीक है। यानी हमारे पास बुक के अंदर ये जनरली मिलता है, लेकिन हमें याद किसको रखना दोस्तों ये, ठीक है। अब याद क्यों रखना है, या तो ये भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। 9, 7.5 और 6, ठीक है, 4, 5, 6 और सिग्मा डेल और क्यू, ठीक है। इस प्रकार से हम आसानी से इसको याद रख सकते हैं। एक बार जल्दी से इसको कर दोस्तों, फिर बाद में इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लेने वाले, ठीक है। तब यहाँ से मैं घटा रहा दोस्तों, ठीक है, और इन्हीं के बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ, और जल्द से जल्द दोस्तों एक बार सीधा फिर मैं शेयर कर ले, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर ले अपने दोस्तों को बताए दोस्तों, ठीक है, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने रिलेशंस, क्लास फ्रेंड्स, ठीक है, जहाँ पर भी आप रहते हो दोस्तों उसके आस पास पर भी हमारा फ्यूचर का अध्यापक जो तैयारी कर रहा है दोस्तों उनको भी बताए, ठीक है। सीधे बैठे पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज लग रही है, ठीक है। एंड सिलेबस दोस्तों, सिलेबस की बात है तो मैं पूरा करूंगा, या थोड़ा सा विश्वास बना रहे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों निम्न में से कौन से कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे, या फिर कौन कौन सी स्थिति सही होगी, ठीक है, स्थिति सही होगी। देखो ऑप्शन नंबर ए लिख रहा हूं दोस्तों मैं, और ऑप्शन नंबर ए यहां पे क्यू बराबर यहां पे 4/5 सिग्मा लिखा। ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा हूं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में यहां पे लिख रहा हूं डेल और 2/3 सिग्मा। ऑप्शन नंबर सी की बात करो दोस्तों यहाँ पे तो डेल 5/4 सिग्मा। ऑप्शन नंबर डी की बात करो दोस्तों यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे क्यू बराबर 5/4 और सिग्मा। और ऑप्शन नंबर ई की बात करो दोस्तों यहाँ पे तो यहाँ पे क्यू बराबर यहाँ 5/6 और यहाँ पे लिख दिया डेल, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कौन कौन सी स्थिति सही है, ठीक है, कौन कौन सी स्थिति सही है, यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखे मैंने, ठीक, 5, ठीक है, ए बी सी डी ई तक लिखे, और इनमें से कौन कौन सी स्थिति सही है इसकी हमें बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी अभी हमने रिलेशन बताया था दोस्तों वो क्या था, जस्ट मैं कह रहा 4 फिर 5 फिर 6, ठीक है। इसमें यहाँ पे लिखा था सिग्मा, यहाँ पे लिखा डेल और यहाँ पे लिखा था मैंने क्यू, ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ पे सबसे पहला प्रोडक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन के साथ चलेंगे, और यहाँ पे क्यू और सिग्मा के बीच रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। क्यू और सिग्मा 4 क्यू, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और 4 क्यू बराबर क्यू और सिग्मा के बीच रिलेशन है, क्यू और यानी कि 6, यहाँ पे 4
सिग्मा बराबर यहाँ पे 6 क्यू, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से लिखा मैंने। एंड मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसमें क्यू बराबर यानी क्यू यानी 6 इसमें गुणा में जाते किसका हो जाएगा बाद में हो जाएगा दोस्तों, क्यू बराबर यहाँ पे 4/6 सिग्मा और क्यू बराबर यहाँ पे दोस्तों कह सकते 2/3 सिग्मा, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ रिजल्ट हमारे पास ये आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे पास हो ही नहीं सकता, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इनकरेक्ट है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमें क्या कह रहा है, डेल और सिग्मा के बीच रिलेशन कह रहा है, ठीक है, डेल और सिग्मा के बीच यानी कि 4 सिग्मा बराबर 5 डेल, और यहाँ पे हमें डेल बराबर यहाँ पे क्या देखें दोस्तों 4/5 और सिग्मा, ठीक है, यानी 4/5 और सिग्मा, यानी ऑप्शन नंबर बी भी हमारे पास दोस्तों कह रहा हूँ मैं करेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी हमारे पास क्या नहीं दोस्तों करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर में सी की बात करता हूँ दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी में देखो क्या देगा हमें सिचुएशन, ऑप्शन नंबर सी की मैं बात करूँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी किस किस में रिलेशन देगा, डेल और सिग्मा में हमें दे रखा, ठीक है, डेल और सिग्मा में हमें रिलेशन, एक मिनट हमने यहाँ पे कुछ देखो, ठीक चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में हमें डेल और सिग्मा के बीच रिलेशन हमें गिवन है, ठीक है, डेल और सिग्मा के बीच रिलेशन, ठीक है, तो डेल बराबर यहाँ पे 5 डेल, ठीक है, और यहाँ पे 4 सिग्मा, ठीक है, इस प्रकार से लिखिए 4 डेल, ठीक है, यहाँ पे 5 डेल 4 सिग्मा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से एंड यहाँ से मैं डेल की वैल्यू निकाला दोस्तों 4/5 और सिग्मा, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे 5/4 है, यहाँ पे 4/5 है, टेन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भी हमारे पास करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी की मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, क्यू और सिग्मा के बीच रिलेशन, क्यू और सिग्मा के बीच रिलेशन यानी 6 क्यू बराबर यहाँ पे क्यू और सिग्मा यानी 6 क्यू बराबर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 4 डेल और यहाँ पे क्यू बराबर यहाँ पे देगा 4/4 यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 6 डेल एंड क्यू बराबर यहाँ पे जाएगा दोस्तों 2/3 डेल, ठीक है, यानी यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन हमारे पास डी वाला भी क्या रहेगा दोस्तों इनकरेक्ट रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों इनकरेक्ट रहने वाला। फिर बाद में ऑप्शन नंबर ई की बात करता हूँ, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन क्यू और डेल के बीच रिलेशन दे रखा, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 6 क्यू बराबर यहाँ पे 5 डेल और क्यू बराबर यहाँ पे 5/6 और यहाँ पे डेल, यानी कि दोस्तों मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट हो रहा है, ई वाला करेक्ट हो रहा है, ठीक है, आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, जो हमें दे रखा था उसके हिसाब से हम चले, रिलेशन हमें ये वाला पता होना चाहिए, ठीक है, ये वाला रिलेशन हमें पता होना चाहिए, तो क्या करके फिर चलो हम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, यानी कि दो चीजें दे दी, करना होने तो अनाउन वाला निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, किसी भी प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको एक बार कह देगा जैसे बिना विलंब के, फिर बाद में नेक्स्ट इसके आगे कुछ और नई बातें करेंगे, ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, एंड अगेन इसके बाद बात करते हैं दोस्तों एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अलग है दोस्तों क्वेश्चन, माध्य से माध्य रिजल्ट निकाला, और हमने यहाँ पे बहुत सारे माध्य रिजल्ट निकालना हमने बता दिया था पहले से, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन जो हट गया, ठीक है, उसको भी हमें करने की कोशिश करनी है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, यदि a a+d a+2d .. ठीक है, एंड a+ यहाँ पे 2nd, ठीक है, a+2nd का यहाँ पे माध्य से माध्य विचलन
ज्ञात कीजिए। ऑप्शन लिख रहा हूँ तुम्हें इस प्रकार से, देखो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए इज दैट एन प्लस वन डिवाइड बाई टू एन प्लस वन और इनटू डी। ऑप्शन नंबर बी की बात करो दोस्तों, यहाँ पे एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू एन प्लस वन इनटू डी। ऑप्शन नंबर सी की बात करो दोस्तों, एन एन माइनस वन बट्टा टू एन प्लस वन इनटू डी। एंड ऑप्शन नंबर डी की बात करो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया, इसको सॉल्व करने की स्टेप बाई स्टेप क्या करनी है दोस्तों, कोशिश करनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें दोस्तों, हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने में हमें क्वेश्चन किस प्रकार से देते हैं उसकी बात रखी, क्या ये समांतर श्रेणी है दोस्तों, आराम से कह सकते हम ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। और समांतर श्रेणी का माध्य किस प्रकार से निकालता है, ठीक है दोस्तों, माध्य निकालने का मैंने तरीका बताया, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा दो होता है, ठीक है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा दो होता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे माध्य से माध्य विचलन निकालना, तो माध्य से माध्य विचलन निकालने का तरीका क्या होता है दोस्तों, पहले यहाँ पे माध्य निकालेंगे, माध्य समांतर माध्य, यहाँ पे समांतर श्रेणी दे रखी, तो माध्य से माध्य पद यानी कि माध्य पहले निकालेंगे, समांतर श्रेणी दे रखी है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा दो, माध्य आने के बाद यहाँ पे निरपेक्ष, ठीक है, या विचलनों से या माध्य से विचलनों के निरपेक्ष मान निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे माध्य जो आया हमारे पास उसके विचलन का निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू निकालेंगे साथ ही साथ। फिर बाद में उसका क्या करेंगे दोस्तों, समांतर माध्य करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, उसका हम समांतर माध्य करेंगे, ठीक है, समांतर माध्य हमारे पास जो भी फॉर्मूला रहेगा दोस्तों उसके माध्यम से करेंगे, ठीक है। तब यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जस्ट एक्स बार, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूं प्रथम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक है, बट्टा यहाँ पे मैंने दो लिखा, ठीक है, एक्स बार बराबर यहाँ पे प्रथम पद हमें क्या देगा दोस्तों, ए अंतिम पद देगा ए प्लस टू एन डी, ठीक है, डिवाइड बाय टू, देन यहाँ पे टू ए प्लस 2nd डिवाइड बाय 2, दैट मींस यहां पे a प्लस nd हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका x बार आ जाएगा, ठीक है। यहां पर लिख रहा हूं दोस्तों मैं माध्य के विचलन से, ठीक है, माध्य के विचलनों से निरपेक्ष मान, ठीक है, निरपेक्ष मान, ठीक है, और मानों का योग, ठीक है, और यहाँ पर मैं योग निकालूंगा दोस्तों, निरपेक्ष मानो यानी माध्य से माध्य देर का ए प्लस एन डी, ठीक है, उसके विचलन करूंगा और विचलन से निरपेक्ष मान पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगा, ठीक है, और इनका क्या करूंगा दोस्तों, योग करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए में से ए प्लस एन डी जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा एन डी, ठीक है, फिर बाद ए प्लस बी में से ए प्लस एन डी जाएगा, यहाँ पे एन माइनस वन इनटू डी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि यहाँ पे निरपेक्ष मान है, वैसे भी यहाँ पे माइनस में रहता है, ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे निरपेक्ष मान है ना, ये ए में से ए प्लस टू डी में से ए प्लस एन डी, दैट मींस यहाँ पे एन माइनस टू एन यहाँ पे डी लिखता है, ठीक है, डॉट 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 लगा रहा हूँ यहाँ पे, अगेन यहाँ पे मैं डॉट डॉट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं दोस्तों, जीरो और जीरो क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, जीरो क्यों लिख रहा हूँ, हमें दे रखा दोस्तों जस्ट जो माध्य दे रखा है ए प्लस एन डी, ठीक है, यानी कि हमें माध्य से विचलन निकालना है और उसके निरपेक्ष मान निकालना, ठीक है दोस्तों, उनका योग भी करना, दैट मींस यहाँ पे हमें जो सीरीज दे रही दोस्तों ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी ए प्लस फोर डी डॉट 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 करते जाएंगे, तब यहाँ पे कहीं ना कहीं ए प्लस एन डी तो आएगा यहाँ पे, ठीक, इसके बीच में यहाँ पे ए प्लस एन डी भी आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है दोस्तों, यानी बीच इसके बीच में एक स्टेप ये भी आने वाला है, ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे ए प्लस एन डी में से ए प्लस एन डी घटाएंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एन माइनस वन डी, ठीक है, प्लस एन डी, ये भी स्टेप हमारे पास आने वाला है, ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे इनको मैं सबको जोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो सारे के साथ डबल है, टू टाइम्स है, ठीक है, टू टाइम्स ऑफ, ठीक है, टू टाइम्स ऑफ यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों मैं एन डी, ठीक है, एन डी, फिर बाद में यहाँ पे एन माइनस वन इंटू डी, फिर बाद में यहाँ पे एन माइनस टू इंटू डी, डॉट 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 यहाँ पे लिख दिया मैंने
डी, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे मैंने कर दिया दोस्तों, डी तक हमारा, लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, डी बचेगा। और नेक्स्ट स्टेप में बात करो दोस्तों, देखो यहाँ पे दो तो है, इसके साथ ये डी भी दे रहा है, डी भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है, टू डी। और यहाँ पे बचेगा क्या दोस्तों, एक प्लस दो प्लस तीन डॉट 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 डॉट, और यहाँ से बचेगा दोस्तों एन माइनस दो प्लस एन माइनस एक प्लस एन, ठीक। इस प्रकार से हमारे पास स्टेप बनेगा और ये जो सीरीज बन रही दोस्तों प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है, प्राकृत संख्याओं का योग यहाँ पे हमारे पास बन रहा, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों टू डी बराबर टू डी इंटू यहाँ पे एन एन प्लस वन डिवाइड बाय टू, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया, ठीक है, दो से दो कट जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एन एन प्लस वन बट्टा, या बट्टा में कुछ है नहीं, और यहाँ पे इंटू में क्या देगा दोस्तों, डी देगा हमें, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे अभी तक हमारे पास आया क्या, माध्य से विचलनों से, माध्य के विचलनों से, ठीक है, यहाँ पे माध्य के विचलनों से निरपेक्ष मानों का योग है, ठीक है। अब मैं बात करूँ दोस्तों इसके अंदर, यहाँ पे हमें निकाला गया माध्य से माध्य विचलन, माध्य से माध्य विचलन निकालने के निरपेक्ष मानों का समांतर माध्य रहता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, निरपेक्ष मानों का समांतर माध्य का, ठीक है, यहाँ पे हम इसको डिनोट कर लेते हैं दोस्तों डेल से, ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, एंड, या फिर इसको मैं डेल लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको मैंने क्या लिख दिया, डेल एंड। इसका जो फॉर्मूला आता है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, यानी निरपेक्ष मानों का योग, ठीक है, बट्टा यहाँ पे एन, एन यहाँ पे दोस्तों प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है, यानी यहाँ पे एन नंबर्स नहीं है, तो दोस्तों एन क्या है, फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन हमें क्या देगा दोस्तों, हमें इस प्रकार से देगा ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी डॉट डॉट ए प्लस टू एन डी, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, तो हमें दे रखा है एन एन प्लस वन इन टू डी, और एन की जगह यहाँ पे देखो डी है नहीं, यहाँ पे वन डी टू डी थ्री डी, ठीक है, और यहाँ पे ए साथ में चल रहा है, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों टू एन प्लस वन होगा, ठीक है, और यही हमें हमारे पास ऑप्शन मिला दोस्तों, कहाँ से, ऑप्शन हमारे पास बी वाला यहाँ से नेक्स्ट होगा, ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, करेक्ट रहेगा। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के करें, फिर बाद नेक्स्ट अगेन इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करने की क्या करते हैं दोस्तों, कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगेन आगे वाला क्वेश्चन ले रहा दोस्तों मैं, और आगे वाला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं दोस्तों, ठीक है, इनके जैसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, माध्य से माध्य निकालने वाला, ठीक है, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकली किया था, ठीक है, यानी यहाँ पे संयोग के लिए हमने क्या नहीं था, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बात करूँ दोस्तों वो भी हमने किया पहले, लेकिन थोड़ा सा ऊंच नीचे, ठीक है, यानी कि उसको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, उसमें अलग टाइप का रिपोर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन दोस्तों लिखा रहा हूँ किस प्रकार से हमारे पास, जस्ट मैं क्या दोस्तों एक एक प्रयोग में एक प्रयोग में, ठीक है, एक प्रयोग के पांच प्रेक्षणों, ठीक है, पांच प्रेक्षणों का माध्य का माध्य चार तथा प्रसरण प्रसरण पांच पॉइंट दो है, ठीक है, माध्य दे रखा है पांच प्रेक्षण होगा चार तथा प्रसरण दे रखा पांच पॉइंट दो, यदि यहां पे क्वेश्चन कह रहा है यदि तीन प्रेक्षण क्रमशः लिखा हूं दोस्तों मैं, ठीक है, एक दो छ हो एक दो छ हो तो शेष दो प्रेक्षण होंगे, शेष
प्रेक्षण होंगे। ठीक है, देखो हमने पहले एक प्रेक्षण की बात की थी। ठीक है, एक इस टाइप के इक्वेशन के जिसमें एक प्रेक्षण की हमने बात की थी। ठीक है, अब हमारे पास दो प्रेक्षण पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन लिख रहा दोस्तों 2, 9, ऑप्शन नंबर बी की बात करो दोस्तों इसमें 5 और 6, ऑप्शन नंबर सी की बात करो दोस्तों यहाँ पे 4 और 7, ऑप्शन नंबर डी की बात करो दोस्तों यहाँ पे 3 और 8। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते, देखो यहाँ पे 5 प्रेक्षण दे रहे दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े एक बार। क्वेश्चन में दे रहे 5 प्रेक्षण का माध्य और प्रसरण दे रहे। ठीक है, माध्य देगा दोस्तों 4 और प्रसरण देगा 5.2। यदि 3 प्रेक्षण करने से 2, 1, 2, 3 हो तो शेष 2 प्रेक्षण होंगे। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे माध्य देगा। ठीक है दोस्तों, माध्य के हिसाब से इसको सॉल्व कर दे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों सबसे एक्स बार यहाँ पे राशियों का 1/राशि की संख्या। ठीक है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, दैट यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल टू 4 हमें गिवन है। और यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसके अंदर 3 प्रेक्षण हमें दे 1+2+3 या 1+2+6। ठीक है, और 2 अन्य प्रेक्षण हमें ज्ञात करना है जिसको हमें x1 और यहाँ पे x2 लिख दिया बट्टा यहाँ पे लिख दिया दोस्तों मैंने। ठीक है, बट्टा यहाँ पे कितना लिख रहा हूँ मैं 5। ठीक है, बराबर 4 प्रेक्षणों का योग यानी कि यहाँ पे 3 और 9। ठीक है, 9+x1+x2=20। यहाँ पे x1+x2 यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 11 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x1+x2=11, मतलब दोनों जो लास्ट के जो दोनों प्रेक्षण दोस्तों इनका योग कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखते दोस्तों यहाँ पे किसमें 11 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 3 11 होता है, नहीं 2 और 9 11 होता है, 5 और 6 भी 11 होता है, 4 और 7 भी 11 होता है, 3 और 8 भी 11। यहाँ पे चार ऑप्शन में 11 आ रहा है, यहाँ पे इसके माध्यम से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इसको देखो हमें यहाँ पे प्रसरण भी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, प्रसरण भी दे रखा है। प्रसरण को निकालने का जो तरीका दोस्तों सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे एन माइनस यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट अगेन में बात कर दोस्तों सिग्मा स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर मतलब जो हमारे पास सारे दे गए उनके वर्गों का योग। ठीक है, और यहाँ पे देगा 1+2+6+x1+x2। ठीक है, बट्टा यहाँ पे राशियों की संख्या दोस्तों 5 दे रही है, माइनस लगा रहा है यहाँ पे हमें एक्स आई बटा एन, ये क्या होता है देखो दोस्तों इसकी बात करते हैं। यहाँ पे हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है एक्स बार बराबर 4। ठीक है, एक्स बार बराबर 4 क्यों दोस्तों, यहाँ पे एक्स बार है राशि बटा राशि की संख्या समेशन ऑफ एक्स आई बटा एन इक्वल टू 4 हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ पे एक्स बार इक्वल टू 4 यानी 4 का स्क्वायर कितना है दोस्तों 16 है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। और ये किसके बराबर है हमें पता है दोस्तों, ये 5.2 के बराबर हमें दिया। और इसके बाद बराबर में लिख देते दोस्तों परसेंट हमें 5.2 दे रखा था, ठीक है 5.2 मैंने यहां पे इस प्रकार से इसको लिख दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते देखो दोस्तों, और ये माइनस का सॉल्व आ जाता है इसका दोस्तों प्लस का, एंड यहाँ पे 1² + 2² + 6² यानी 41 दोस्तों यहाँ पे प्लस यहाँ पे x1² + x2² बराबर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा दोस्तों। जस्ट मैं देखो यहाँ पे इसको पहले बटा 5 कर लेता हूँ और यहाँ पे 21.2 हो जाएगा। ठीक है, 21.2 को यहाँ पे मैं गुणा कर रहा हूँ दोस्तों 5 से। ठीक है, तो 5 से तो यहाँ 5 और 10 असले और 5 और 1 6 असले 6 और 5 और 10। ठीक है, 106.0। ठीक है, यहाँ प्लस 41 इधर आते किसका जाएगा दोस्तों माइनस का 41 और यहाँ पर जाएगा दोस्तों 65। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो अब हमारे पास दोस्तों दो तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक है, वैसे तो हम यहाँ पे एक तरीके मानते हैं, ठीक है दूसरा डायरेक्ट वाला होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों राशियों का योग 11 वाला, दोनों राशियों के वर्गों का योग 65 होना चाहिए। किसमें हो रहा है दोस्तों, दोनों राशियों के वर्गों का योग 65 किसमें हो रहा है, यहाँ पे मैं क्या दोस्तों 2 का स्क्वायर 4+81 65 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25+36। ठीक है, 25+36 मतलब यहाँ पे 11 + 1 = 3, 6, 61 हो रहा है, ये भी ऑप्शन हमारे पास नहीं, 7 का 49 और यहाँ पे 16। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो सकता है दोस्तों ये 6 प्रश्न, ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों सी वाला हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब क्यों करें फिर बाद नेक्स्ट अगेन आगे वाले क्वेश्चन के लिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों,
अगेन आगे वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, एक प्रेक्षण में एक प्रेक्षण में एक्स पर, एक प्रेक्षण पर एक्स पर लिए गए, एक्स पर लिए गए 15 प्रेक्षणों, ठीक है, 15 एक्स पर लिए गए 15 प्रेक्षणों से, ठीक है, निम्न आंकड़े प्राप्त हुए, निम्न निम्न आंकड़े प्राप्त हुए, ठीक है। और कौन कौन से आंकड़े दोस्तों हमारे पास, सबसे पहले मैं बात करूं, समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे 28 30, और समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहां पे 170, ठीक है। आगे क्या दिया रखिए क्वेश्चन, एक प्रेक्षण, एक प्रेक्षण 20 को 30 द्वारा बदला जाता है, ठीक है। तो नई स्थिति में प्रश्न क्या होगा, तो नई स्थिति में प्रश्न क्या होगा, ठीक है, नई स्थिति में प्रश्न क्या होगा इसके अंदर बात करनी, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन दोस्तों वैसा ही है जैसे हमने गलती से 20 की जगह 30 रख दिया, या गलती से 20 की जगह 30 रख दिया, तो यहाँ पे सही माध्य वगैरह क्या होगा इसके हमने बात पहले भी की थी, ठीक है। तो वैसा ही भी क्वेश्चन है, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रेक्षण में एक्स पर ले गए 15 प्रेक्षणों निम्न आंकड़े प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक प्रेक्षण में एक्स पर ले गए 15 प्रेक्षणों से निम्न आंकड़े प्राप्त हुए, और यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वर्गों का योग, जो 15 प्रेक्षणों के वर्गों का योग हमारा 30 प्राप्त हुआ, समेशन ऑफ एक्स यानी 170 प्राप्त हुआ, यानी 15 प्रेक्षणों के यहाँ पे 15 प्रेक्षणों का योग हमें 170 प्राप्त है, ठीक है। एक प्रेक्षण 20 को 30 द्वारा बदल दिया जाता है, यानी कि एक प्रेक्षण को 20 को 30 द्वारा 20 की जगह 30 रख दिया जाता है, यहाँ 20 को घटाएंगे पहले, यहाँ जैसे समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 170 दे रखा, ठीक है, तो इसमें से पहले 20 घटाएंगे, 20 की जगह प्लस का 30 करेंगे, ठीक है दोस्तों। यानी गलती से 20 की जगह 30 या 30 की जगह 20, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए, ठीक है। तो नई स्थिति में प्रसरण क्या होगा, नई स्थिति में प्रसरण क्या होगा इसके हमें यहाँ पे क्या करनी दोस्तों, बात करनी, ठीक है। आई थिंक आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाया दोस्तों। यहाँ पे मैं इसको ऑप्शन लिख देता हूँ, ऑप्शन यहाँ पे मैं जस्ट 83.0 या 83.30 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 78, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लिख देता हूँ 106 या 105, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जस्ट 65, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर ऑप्शन लिखा, और आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो दोस्तों। देखो इसको करने की कोशिश करें, एक बार आइडिया लगा दोस्तों। यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, जस्ट हमें सबसे पहले अप्रोडक्ट टू क्वेश्चन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू यहाँ पे हमें गिवन में क्या दोस्तों 28 30 गिवन में, ठीक है दोस्तों। और नई स्थिति में हमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 20 को, या फिर देखो इसको पहले तो समेशन ऑफ एक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, समेशन ऑफ एक्स की मैं बात करूँ, ठीक है, और हमें 170 देगा। अब यहाँ पे क्या है, 20 को 30 से बदला जाता है, 20 को घटाऊंगा फिर बाद में यहाँ पे 30 जोड़ूंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 180 हो जाएगा, यहाँ पे नई स्थिति में समेशन ऑफ एक्स की बात करो, ठीक है दोस्तों, नई स्थिति में समेशन ऑफ एक्स की बात करो। इसी प्रकार से यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करो दोस्तों, यहाँ पे 28 30 दे रखा है, 28 30 में से यहाँ पे 20 का स्क्वायर यानी वर्गों का योग दे रखा है,
ठीक है, तो 20 का स्क्वायर 400 घटाऊंगा और 30 का स्क्वायर 900, यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, ऐड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों कुल मिला तो हमें कितना ऐड करना, 500 और 500 यानी 2830 हो जाएगा। ठीक है, 3330 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। अब यहाँ पे क्या नई स्थिति में प्रश्न क्या होगा, प्रश्न का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, नई स्थिति में हमारे पास समेशन ऑफ एक्स आ गया, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न की बात करनी है दोस्तों सिग्मा स्क्वायर की, और सिग्मा स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बट्टा एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बट्टा एन का होल स्क्वायर। ठीक है, द समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 30 बट्टा एन हमें यहाँ पे दे रखा है दोस्तों 15, टोटल फ्रैक्शनों की संख्या कितनी है दोस्तों 15, माइनस यहाँ पे मैं समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 180 बट्टा यहाँ पे 15 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे स्क्वायर हमें दे रखा है, ठीक है, दैट यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करा दोस्तों ये 12 बार हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसको कट्टा, देखो ये कट्टा 15 बार जाएगा, यहाँ पे 2-3 बच रहा था, यहाँ पे 2 अगेन और फिर बाद 5 225। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 225 का आंसर होगा। देखो यहाँ पे 15-2-3 बच रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगेन 2-3 बच रहा है, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे 3-0/15। ठीक है, तो 15 का 15 15 30, हाँ से लगा 3 और फिर बाद में 15 30, पीछे बच रहा हमारे पास अगेन 3 और 3 222 रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं और ये भी 12 का स्क्वायर 222 में से 144 यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों मैं कह सकता हूँ 12 में से 4 जाएगा तो 8, 11 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 7 और फिर बाद में यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा 78 आ रहा दोस्तों, 78 ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या दोस्तों करेक्ट होगा। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, इसका एक बार जल्दी से बिना विलंब के करें, फिर बाद नेक्स्ट अगेन यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जब यहाँ से मैं इनको हटा रहा दोस्तों अगेन। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों सांख्यिकी का, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रेखीय असमय। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, इसको भी हमने बार बार किया था, इसके रिलेटेड क्वेश्चन हमने बार बार किए थे। ठीक है, और एक और क्वेश्चन कर लेते दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, सबसे पहले मान लीजिए या माना समष्टि स्पेस, ठीक है, ए में 101, 102, 103 और यहाँ पे लिखा 200 के 100 प्रेक्षण है। ठीक है, 200 के 100 प्रेक्षण है एक अन्य समष्टि बी में, एक सौ 51, 152, 153 250 के 100 प्रेक्षण है। ठीक है, 100 प्रेक्षण है। ठीक है, यदि इन दो समष्टियों के प्रसरण क्रमशः VA व VB है तो VA बट्टा VB का मान है, ऑप्शन नंबर ए की बात करो दोस्तों 3/4
ऑप्शन नंबर बी की बात करो दोस्तों यहाँ पे 9/4, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की बात करो दोस्तों 1, ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं यहाँ पे 2/3। देखो यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों आपके मुंह पे होना चाहिए और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मैंने किए थे और मैं क्या दोस्तों इसका ऑप्शन एक रहे या फिर सी ऑप्शन यहाँ पे और इसका आंसर एक रहेगा। क्यों रहेगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाए दोस्तों। मैंने बताया था दोस्तों कि या माना या इस क्वेश्चन को पढ़ते एक बार, माना ए सेमेस्टर में 101 से 200 के 100 फ्रैक्शन है और एक अन्य सेमेस्टर बी में 151 से 250 के 100 फ्रैक्शन है। यदि इन दो सेमेस्टरों के प्रसरण में प्रसरण क्रमश बीए और बीबी है तो बीए बटा बीबी का मान क्या होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ इनके सेमेस्टर ए की कुछ भी प्रसरण हो या बी के भी कुछ भी प्रसरण हो, ठीक है, इनका बट्टा बट्टी करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर एक ही आएगा, ठीक है। बी ए बटा बी बी करेंगे तो उसका आंसर एक ही आएगा। क्यों आएगा दोस्तों, मैंने बताया था किसी भी या किसी भी प्रसरण के अंदर अचर राशि को जोड़ने या घटाने पर उसके मानक विचलन और उसके प्रसरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। मतलब जो बी ए का प्रसरण आएगा, ठीक है, यानी यदि इन दो सेमेस्टरों के प्रसरण में प्रसरण क्रमश VA और VB, यानी जो VA का जो प्रसरण आएगा वो कब वो VB का होगा, यानी समान रहेगा दोस्तों, तो VA बटा VB बराबर एक रहने वाला, ठीक है दोस्तों। तो उसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे आगे वाले चैप्टर की, ठीक है। और ये चैप्टर आगे वाला बहुत सरल है दोस्तों, आज या कल में इसको हम खत्म कर देते हैं, ठीक है, कल खत्म कर देंगे इसको, आज थोड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है। तब इसको मैं यहाँ सटा रहा दोस्तों, ठीक है, और अगेन यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। रैखिक असमीकरण, ठीक है, रैखिक असमीकरण, लीनियर इनइक्वालिटीज, यहाँ हमारे पास दोस्तों 11-12 चैप्टर के क्लास के अंदर है, ठीक है, और इसको हम पीछे रखना नहीं चाहते, ठीक है, और पीछे नहीं रखना चाहेंगे दोस्तों इसको, क्योंकि अगर आप मान लो यहाँ से क्वेश्चन आ गया और आपसे नहीं हुआ और आपने ब्लेम इस पर करोगी कि सर आपने सिलेबस पूरा नहीं करा, ठीक है, तो हमारे पास आज और कल मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। वैसे इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पहले भी किए थे, तो यहाँ पर लिखा दोस्तों रैखिक असमीकरण, ठीक है, असमीकरण, लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँ दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स की, ठीक है, इसका मैं एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ इस प्रकार से, देखो 4x-3 और यहाँ पे ग्रेटर देन, ठीक है, या लेस देन, या पे दो साइन ही होता है दोस्तों, ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है, और यहाँ पे 25, ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, या लेस देन इक्वल, ठीक है, चार साइन होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इनके कंडीशंस की बात करता हूँ, ठीक है दोस्तों। जब यहाँ पे अगर रैखिक असमीकरण दे रही है, ठीक है, एक चर वाली और दो चर वाली, ठीक है, द्विघात समीकरण भी होता है इसमें, ठीक है, इन सब पे सबसे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है दोस्तों। देन यहाँ पे अगर हमारे पास साइन ग्रेटर देन या लेस देन या लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगा हुआ है और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों किसी दोनों तरफ, जैसे यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ थोड़ा सा बेसिक के लिए, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन टू 4 दे रखा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से लिखा। और मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ यहाँ पे मैं 2 जोड़ रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, दोनों तरफ एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 4+2, तो इसके साइन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, अचर राशि मैंने 2 जोड़ा, या फिर मैं कह रहा दोस्तों 2 मैंने घटाया तो इसके अचर राशि 4+2 जाएगा, तो इसके साइन में यहाँ पे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। मैं कह रहा दोस्तों किसी अचर राशि का दोनों तरफ मैंने गुणा किया तो भी यहाँ पे किसी प्रकार का इस साइन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अगर मैं कह रहा दोस्तों इसमें मैं भाग दे रहा हूँ, ठीक है, एक्स बटा 2 और यहाँ पे
4/2 × 2 इसमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन यहाँ पे यानी साइन के मान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन परिवर्तन कहाँ होता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे परिवर्तन होता है दोस्तों यहाँ पे माइनस से गुणा करने पर, यानी माइनस के पूर्णांक के माइनस के जस्ट में प्राकृत संख्या कोई भी, ठीक है, प्राकृत हो गई या फिर रियल जो रैशनल इरेशनल कोई भी नंबर होगा दोस्तों उससे गुणा करते हैं तो उसके साइन में परिवर्तन होगा। जैसे यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 4 और यहाँ पे मैं माइनस से गुणा करो माइनस एक से गुणा करो तो माइनस का एक माइनस का एक्स और या फिर लेस देन का साइन और माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा भी यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ आपको हमारे पास इसका साइन चेंज रहेगा, ठीक है, और जब यहाँ पे लगभग यही रहती स्थिति, ठीक है, बाकी के जो आगे रहेगी दोस्तों उसको हम बात करेंगे, ठीक है। आगे इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने की यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे हमें करना पूछे दोस्तों यहाँ पे x का मान निकालना है और x का मान कहाँ से कहाँ तक रहेगा उसका हमें क्या निकालना दोस्तों, प्रास निकालना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे माइनस का 3 रहेगा, इधर दोनों तरफ माइनस का 3 जोड़ूंगा तो यहाँ पे 4x और यहाँ पे ग्रेटर देन 2 यहाँ पे 28 हो जाएगा। दोनों तरफ मैंने क्या जोड़ा दोस्तों 3 जोड़ा, ये माइनस माइनस का 3 कैसे हटेगा, यहाँ पे प्लस का 3 करूंगा तब हटेगा, तो माइनस 3 प्लस 3 यानी 0 और यहाँ 25 + 3 = 28, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या 4 देर का गुणा में दोनों तरफ में 4 का भाग दूंगा, ठीक है, पहले माइनस 3 को यहाँ पे मैंने या प्लस 3 जोड़ा, ठीक है, यहाँ पे मैंने जोड़ा फिर यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों 4 का भाग दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, 4 का भाग यहाँ पे x और ग्रेटर देन 2 यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 7, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे जो x की जो वैल्यू रहेगी दोस्तों यहाँ पे जो x की वैल्यू वो 7 से बड़ी रहने वाली, ठीक है, x की वैल्यू 5 से कहा रहने वाली दोस्तों 7 से, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों x इज एप्सिलॉन 2, x इज एप्सिलॉन 2 यहाँ पे 7 से अनंत तक मैं इसको ले सकता हूँ, ठीक है दोस्तों, 7 से बड़ा यहाँ पे ये छोटा वाला ब्रैकेट में यूज कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन ग्रेटर देन इक्वल का होता है तो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट यूज करता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको एक बार जल्दी से करें फिर बाद नेक्स्ट अगेन यहाँ पे इसके बाद और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों उसकी भी हम यहाँ पे बात कर लेते, देखो एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ इसी का भी यहाँ पे, ठीक है, 5x - 3/4 + x / 2 और यहाँ पे रख देता हूँ < 5, ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा और इसका भी हमें क्या निकालना दोस्तों, हल निकालना, ठीक है, का हल यहाँ पे लिख देता हूँ का हल क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों, और इसको भी हमें सोल्व करना, देखो सबसे पहले यहाँ पे 5x - 3 और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 4 आएगा, यहाँ पे 2x < 5, ठीक है, 5x - 3 + 2x 4 गुना में देते हैं किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पे इसके साइन में तो नहीं गुणा भाग में गुणा हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 20, माइनस का 3 दे रखा है यहाँ दोनों तरफ प्लस का 3 जोड़ूंगा तो यहाँ पे 5x और 2x यहाँ पे 7x हो जाएगा और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 23 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 3 इधर से प्लस का, ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब x यहाँ पे गुणा नहीं 7 गुणा में जाते किसका हो जाएगा दोस्तों भाग का, ठीक है, तो x का जो मान रहेगा, ठीक है, वो कहाँ रहेगा दोस्तों, x इज एप्सिलॉन 2 और x इज एप्सिलॉन 2 -∞ to 23/7 और यहाँ पे इसको इंक्लूड करते हुए रहेगा क्योंकि यहाँ पे मोर लेस देन इक्वल का साइन यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है दोस्तों। तो इसको एक बार करें या फिर इसको संज्ञा रेखा के ऊपर देखना चाहे दोस्तों तो यहाँ पे किस प्रकार से रहेगा दोस्तों यहाँ पे ये माइनस अनंत फिर बाद यहाँ पे कहीं पे ले लेते 23/7 रहता है प्लस का, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे यहाँ से लगा कर यहाँ तक इसका जो मान रहेगा दोस्तों यानी इसको 7 में लेते हो, ठीक है, 23/7 को 7 में लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इसका क्या रहेगा दोस्तों मान रहेगा, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के करें फिर बाद नेक्स्ट अगेन यहाँ पे इन्हें से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आज हम करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ से मैं कटा रहा हूँ, ठीक है, अगेन कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है, आज तो मैंने हेडिंग और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता, इंट्रोडक्शन के साथ क्वेश्चन ही करवा रहा दोस्तों। इस चैप्टर को हमने यहाँ पे द्विघात समीकरण फलन, ठीक है, उसके अंदर हमने इसको किया था,
इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, वैसे इसको करवाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं 11 बार के अंदर अलग से चैप्टर दे रखा है इसलिए, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल है दोस्तों, 3x-5/4/4 प्लस यहाँ पे मैं अगेन ले लेता हूँ, देखो जस्ट या फिर लेस देन इक्वल, ठीक है, या ग्रेटर देन इक्वल का साइन, 7x+5/6, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया, ठीक है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं का हल, ठीक है, का हल यहाँ पे क्या रहने वाला, ठीक है। इसके हम बात करते हैं तो उसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तो 6×3 18x-30 और ग्रेटर देन, और यहाँ पे 5×28x+5×20, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा 18, देखो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, देखो जस्ट 28x+ फायदा थी माइनस कर देगा, 28x में से 18x आएगा माइनस का, यहाँ पे 10x और ये भी माइनस, इधर यहाँ पे प्लस का माइनस का, और माइनस के जाती प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 50, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है दोस्तों, तो माइनस से गुणा करा, माइनस से क्या करा दोस्तों, -1 से गुणा या माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो ग्रेटर देन इक्वल का साइन है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, लेस देन इक्वल का साइन हो जाएगा, और माइनस का 50 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यह हमें करना जरूरी होता है, यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 50/10 और x इज लेस देन इक्वल यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, तो x इज एप्सिलॉन टू, यहाँ पे x का जो मान रहेगा दोस्तों माइनस अनंत से, ठीक है, माइनस अनंत से और -5 के बीच में रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसको मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेगा दोस्तों, इसके बाद देखो ये और देखो 5×2-5x, ठीक है, प्लस यहाँ पर 8 और यहाँ पर ग्रेटर देन 7x-4 का हल यहाँ पे क्या रहने वाला, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया, और इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे 10×5×25x+8 7x-4, ठीक है, एंड फिर यहाँ पे 7x+ का इधर थी माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 10 और 8 18 इधर थी किसका हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। दैट माइनस का 25x+-7x-32x, एंड यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसके बाद -4 -18, ठीक है, फिर बाद में -32 और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन, और माइनस का यहाँ पे कितना दोस्तों, माइनस का यहाँ पे 22 हो जाएगा। माइनस से मैं गुणा कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस से गुणा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेटर देन का साइन वो लेस देन हो जाएगा, 32x<22>, ठीक है, एक्स बराबर यहाँ पे 22/ यानी कि 32 का, यहाँ पे 32 का दोनों तरफ मैंने भाग दिया, ठीक है, तो यहाँ पे 22/32 हो जाएगा, या फिर मैं कह सकता दोस्तों हमारे पास 11/16 हो जाएगा, ठीक है, x इज लेस देन 2, यहाँ पे 11/16 हो जाएगा, ठीक है, यानी x का जो मान है x इज एप्सिलॉन 2, यानी कि जो x का मान 0 से यानी कि माइनस अनंत से 11/16 के बीच में रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसको मैंने कर लिया, इसको एक बार फिर से जल्दी से कर दोस्तों, फिर बाद नेक्स्ट थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी ऐसे क्वेश्चन में नहीं रहने वाली है। देखो यहां से मैं इनको हटा रहा हूं दोस्तों, ठीक है, आई थिंक आपने इनको कर लिया होगा, स्पीड से कर ले दोस्तों एक बार इसको।
क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास जस्ट माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 10 लेस देन 3x प्लस 7 लेस देन 5, ठीक है, लेस देन इक्वल का लगा देते हैं, ठीक, का मान, ठीक है, का हल कितना रहने वाला है, ठीक है दोस्तों, इसके हम यहाँ पे बात करते हैं। देखो यहाँ पे स्टेप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे अब माइनस का 10 लेस देन 3x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 5 में दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 7 को हटाऊंगा दोस्तों, ठीक है, तो 7 यहाँ पे प्लस का, दोनों तरफ माइनस का 7 यहाँ पे मैं करूंगा, ठीक है, तो 7 का घटाना यहाँ पे लिखते, तो 7 को यहाँ 7 घटाना, यानी कि यहाँ से तीन स्टेप में से 7 घटाऊंगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे माइनस 10 और माइनस 7 घटा तो माइनस का 17 लेस देन यहाँ पे 3x हो जाएगा, 3x 7 प्लस माइनस यानी कट जाएगा, और यहाँ पे 5 में से 7 घटा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, 3 का भाग दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 देगा तो 3 का भाग दे माइनस 17 बटा 3 और लेस देन एक्स लेस देन इक्वल माइनस का 2 बटा 3, इस प्रकार से यहाँ पे मैंने इसको कर लिया। मतलब यहाँ पे जो एक्स का जो मान है दोस्तों, वो एक्स का माइनस 17 बटा या फिर माइनस 17 बटा 3 से माइनस 2 बटा 3 के बीच में, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक्स इज एप्सिलॉन 2, यहाँ पे देखो पहले तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड का साइन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे माइनस 17 बटा 3 से माइनस 17 बटा 3 से माइनस 2 बटा 3 के बीच में, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल, तो यहाँ पे बड़ा वाला साइन मैंने यहाँ पे इस प्रकार से इसको लगा दे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे एक और क्वेश्चन करा दो दोस्तों, यहाँ पे इसको जल्दी से बिना विलंब किए करें, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों, देखो आई थिंक समझ में भी आ रहा होगा आपको आसानी इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे मैंने 3 का भाग दिया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 का भाग, ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 का, 3 को हटाने के 3 का भाग दिया और कुछ नहीं जैसे, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, ठीक है, एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, और क्वेश्चन है हमारे पास इस प्रकार से, देखो जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास माइनस का 8 ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे लिख दिया मैंने 10x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, ठीक है, 2x प्लस 5 लिख दिया, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया, या फिर इसको यहाँ पे लिख दिया मैंने 12, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया माइनस का 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की क्या करते हैं दोस्तों, कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले प्लस का 5 इसको हटाएंगे, तो दोनों तरफ क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे माइनस के 5 को घटाएंगे, ठीक है, 5 घटाना, ठीक है, 3 स्टेप में से 5 घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पे माइनस का 13 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे 10x और यहाँ पे 5 घटा तो माइनस का 17 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे 10 दे रहे, 10 का क्या करें दोस्तों, भाग दे रहे, ठीक है, 10 का यहाँ पे भाग दे रहे, यहाँ पे माइनस का 13 बटा 10 ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे एक्स, ठीक है, एक्स, एंड फिर बाद में यहाँ पे बात करूँ दोस्तों माइनस 17 बटा 10, ठीक है, इस प्रकार से कर लिया। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे माइनस का 17 बटा 10 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल माइनस 13 बटा 10 ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं इनको ऐसा यानी इसके साइन चेंज करना है, तो जस्ट इसको मैं इस प्रकार से भी इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पे जो एक्स का मान रहेगा दोस्तों हमारे पास माइनस 17 बटा 10 से माइनस 13 बटा 10 के बीच रहने वाला है, ठीक है, इस प्रकार से इसको मैंने कर लिया। इसको एक बार करें जल्दी से दोस्तों, फिर बाद इस सेशन को आई थिंक हम यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। देखो आज के सेशन में दोस्तों हम इतने रखते हैं, नेक्स्ट सेशन के अंदर जो चैप्टर है रैखिक असमीकरण इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर बाद में कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको एक बार करें बिना विलंब किए, नेक्स्ट अगेन मैं बात करूंगा दोस्तों इसके बाद हम कुछ नई बातें, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से, इससे पहले दोस्तों एक बार शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि वीडियो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।